हेलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारा नूं नमस्ते दा। मेरा नाम है फनकार। अरेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। पंजाब जीके दा पार्ट पहला जिहड़ा आया सी ओह ठीक लगभग डेढ़ या दो साल पहला आया सी। कहण दा मतलब की है कि अज पार्ट दूसरा आ रहा। इहनूं मैं उस दे नाल क्यों मिला रहा, हालांकि उस डेढ़ दो साल दे पोर्शन दे विच पंजाब जीके मैं बहुत बारी कराई होगी थ्रू MCQ वगैरह, पर उस दे नाल मैं रिलेट क्यों कर रहा, क्योंकि जिहड़ा पंजाब जीके पार्ट पहला सी उस नूं मैं एक मूवी कहना हुंदा। तुसीं सुणियो ध्यान दे नाल, जेकर पहली पार्ट नहीं सुणिया तां मैं उहदे विच कहना हुंदा कि अज तुहानूं मैं एक मूवी दिखाउण जा रहा, ते अज वी तुहानूं मैं एक मूवी दिखाउणी आ। जिवें एक वड्डे एक्टर दी कोई पहला मूवी आउंदी आ दो तीन साल पहलां, उस तों बाद दो तीन साल बाद दुबारा मूवी आउंदी आ, इह उसे तरीके दी मूवी है। ऐसे तकड़े तरीके दे नाल अज पंजाब दी GK मैं पढ़ाऊंगा, जो बहुत ऐं कह लो भी बहुत स्टूडेंट नूं ऐं लगू भी क्या बात है यार, इस तरीके दे नाल भी पढ़िया जा सकता है। यानी कहण दा मतलब मेरा हमेशा फोकस रहा कि कंसैप्ट कंसैप्ट वल फोकस रखो। यानी कहण दा मतलब रट्टा रुट्टा नहीं मारने का, हर चीज़ किसे दे नाल जुड़ी हुई है, यानी उहदा कारण जाणो। कारण जाणोगे तो फिर इतिहास नूं याद करना कोई भी बड़ा वड्डा यानी औखा कम नहीं हैगा। चलो खैर तो आप अज करते हैं स्टार्ट। सो चैनल जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब करो, नाल दबो बैल आइकॉन ता कि आने वाली सारिया नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप अज करा पंजाब GK का पार्ट दूसरा, एंड ये पोर्शन करना अज वो पता लग जूगा जो मैं स्टार्ट करूँगा। बेसिकली देखो सीधी जी गल, जेकर मैं वैसे आप पंजाब GK के पार्ट में पढ़िए तो पंजाब GK जेकर PCS लैवल की भी गल करो तो PCS के भी महाराजा रणजीत सिंह का पार्ट सिलेबस है जो प्रॉपर तरीके दिता हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह समय दिया जड़िया लड़ाइया सी, समय के जड़े अफगाना रिलेशन सी, कहण का मतलब उस टाइम पर जो भी गतिविधियां सी, उन्हें सिख अंपायर जड़ा मिसलां सी, एंगलो सिख वार होया, एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम पर की सी, ब्रिटिश पॉलिसी की सी, सिख पॉलिसी की सी, अफगान पॉलिसी की सी, वह बहुत वड्डा पोर्शन जिहड़ा PCS दे विच बनता गा। उस तो अलावा जेकर तुसीं पंजाब एग्जाम दे विच भी देखो, हालांकि पंजाब एग्जाम यानी जो छोटे लैवल दे हुंदे आ, यानी उत्थे भी इन्ना औखा ज़्यादा पंजाब GK नूं पाया नहीं जाता, पर जेकर पाउण तां बहुत वधिया तरीके दी पंजाब GK पै सकदी आ। तो चलो खैर गल्लां बातां बाहलियां ज़्यादा ना करते हुए आपां अज दा मैगा सैशन करदे आं स्टार्ट। सो मेरा जो स्टार्ट हुण मैं जिथों कर रहा वह महाराजा रणजीत सिंह तों कर रहे हैं। आपां महाराजा रणजीत सिंह दे जन्म बारे सारयां नूं पता होगा, जो सिख मिसलां बनियां उन्हां बारे सारे नूं पता होगा, यानी तुसीं पढ़िया होया, एंड ईवन के पार्ट 1 दे विच मेरा पढ़ाया भी होया। बट जिहड़ा अज आपां पढ़ना गा उह इह पढ़ना कि महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम ते जो लड़ाइयां हुईयां उन्हां नूं याद किवें करना, उह इक कहानी है भाई, उह इक मूवी है, उस नूं याद नहीं करना, उस नूं समझना गा। अज जदों मैं तुहानूं सारियां गल्लां बातां दसूंगा, जिवें मैं कहिंदा हुंदा कि भाई पानीपत दी लड़ाई है जिहड़ी उह कित्थे होई, क्यों होई, किवें होई, कित्थे दस देणगे, कदों होई इह दस देणगे, पर क्यों हुई ये नहीं कोई दस पाँगा। कारण की आ कि आप रट्टा मारद आप कंसैप्ट जानते ही नहीं। तो हम आप अज का जो विशा गा वह पंजाब दे विच जो अफगाना की सिखा ना लड़ाई हुई है, जां सिखा ने अफगाना तक किवें राज कीता, उहदे बारे आप अज पढ़ांगे बहुत ही वधिया तरीके दे नाल। सिख अंपायर आप बेसिकली पढ़ना गा। हुण महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा टाइम पीरियड आ तुहानूं पता 1780 तो लैके पहला 1792, बट क्योंकि उस टाइम पर नाबालग होंदे तो शुकर चक्के मिसल के चीफ तो होंगे नहीं। 1797 महाराजा रणजीत सिंह शुकर चक्किया मिसल के चीफ बनते हैं। तो अज कोई भी स्लाइड नहीं हैगी, थोनों मैं एवें पढ़ाऊँगा, थोनों लगेगा भी यार इस तरीके पढ़िया जा सकता गा बिना स्लाइड्स तो, बिना किसी किताब तो। देखो ध्यान दे नाल, 1797 महाराजा रणजीत सिंह शुकर चक्किया मिसल के चीफ बनते हैं। महाराजा रणजीत सिंह शुकर चक्किया मिसल के चीफ बनते हैं महाराजा रणजीत सिंह। हुण सेम टाइम पर जिहड़ा अफगानिस्तान का रूलर हुंदा गा, अफगानिस्तान का रूलर जिहदा नाम हुंदा गा जी शाह जमन, अफगानिस्तान का जिहड़ा रूलर हुंदा गा शाह जमन। हुण इह शाह जमन बेसिकली कौन है? इह शाह जमन हैगा अहमद शाह अब्दाली का पोता। अहमद शाह अब्दाली कौन है? जिहड़ा 1752 दे विच मीर मन्नू नूं हरा के आया सी। 1748 दे विच भी पहला आप हार गया सी, फिर 1752 दे विच दुबारा हार के पंजाब दा पंजाब ते कब्जा कीता सी अहमद शाह अब्दाली। जेकर तुसीं ध्यान नाल पढ़िया होवे, मेरा पढ़ा रख्या। सो अहमद शाह अब्दाली का बेसिकली यह पोता, तो थोड़े याद होगा कि अहमद शाह अब्दाली जाते जाते पंजाब का गवर्नर अपने पुत्र तैमूर तैमूर नूं बनाया जाता गा, तो तैमूर का गाह पुत्र यह आ। यानी कहने का मतलब यह पोता हैगा अहमद शाह अब्दाली का, यह पोता अहमद शाह अब्दाली का, तो तैमूर का यह पोता है, तैमूर का यह पोता यानी तैमूर शाह जमन का पापा गा। हुण क्यों दस रहा मैं, पहले मूवी समझो।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਚੀਫ ਬਣ ਚੁੱਕੇ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕੰਧ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਦੋਂ ਭਲਾ? 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਵੀਕ ਸੀ, ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੜ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਚੀਫ ਆ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪਾ ਤੈਮੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲਓ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਚੀਫ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਭਰਾ ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆ ਮੇਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੜੱਪ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਤੋਪਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਜ਼ੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਰੂਲਰ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 1799 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਦਾ ਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। 1800 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਹੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ
बेसिकली इतों तक स्टोरी तुम्हें समझ लग गई होनी है। हुण जो 1800 दे विच शाह महमूद बनता गा बड़ा टाइम यह टिक नहीं पाता क्योंकि एक कजन ब्रदर होर आ जाता उहदा नाम हुंदा जी शाह शुजा। हुण यह भी है जिहड़ा हुंदा गा भाई यह भी कहिंदा मैं अफगानिस्तान का राजा बनना। सो लड़ा लड़ाइया दे विच शाह शुजा हुण अफगानिस्तान का राजा बन जाता 1804 या 1805 दे विच। राइट सो बेसिकली जानी आ 1803 तक ही रहिंदा गा जिहड़ा शाह महमूद है। इस तों बाद शाह शुजा जिहड़ा हैगा वह अफगानिस्तान का रूलर बन जाता अफगानिस्तान का किंग बन जाता। हुण शाह शुजा बेसिकली इन्ना ज़्यादा एबल रूलर हुंदा नहीं बड़ा ज़्यादा तकड़ा रूलर शाह शुजा जिहड़ा वह हुंदा नहीं। हुण जदों तकड़ा रूलर है नहीं तां की होगा भला जदों कोई तकड़ा रूलर नहीं होगा तो अराजकता फैलूगी अनारकी पैदा होगी तो बेसिकली अफगानिस्तान दे विच अनारकी पैदा होगी। हुण अफगानिस्तान दे जिहड़े वड्डे वड्डे इलाके सी जिहड़े कि जिवें पेशावर हो गया जिवें मुल्तान हो गया जां कह लो कश्मीर हो गया इधरले पासे अपने नॉर्थ वैसट कनियो प्रोविंस कनियो कश्मीर हो गया दराजत हो गया। सो बेसिकली यह इन्नियां ज़्यादा तकड़ियां अटक हो गया ये इन्ने ज़्यादा तकड़े एरिए शाह शुजा तो बड़ा ज़्यादा सांभिया गया नहीं। इन्हां ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिकलेयर करता भी असी तो आज़ाद हैं यानी अटक ने अपने आप को राज घोषित करता भी मैं तो अटक कल्ला ही हैं यानी कल्ला उहदा राजा जिवें जहांदद खान सीगा जिहड़ा पेशावर हो गया मुल्तान हो गया कश्मीर हो गया दराजत हो गया इन्होंने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट क्लीयर करता यानी कहने का मतलब शाह शुजा तो अफगानिस्तान सांभिया गया नहीं। फिर एंट्री होंदी है एक कमांडर की जिहदा नाम हुंदा जी फतेह खान। हुण फतेह खान किहदा बंदा गा शाह महमूद का। यह फतेह खान कहिंदा शाह महमूद शाह शुजा तो अफगानिस्तान सांभिया नहीं गया तेरी हैल्प मैं कर दाँगा किंग बन वास्ते। तो फतेह खान की हैल्प के नाल शाह महमूद ही दोबारा शाह शुजा तो बाद गवर्नर यानी किंग अफगानिस्तान का बन जाता गा। बट इस टाइम पर यह किहदी हैल्प के नाल बनता गा फतेह खान की हैल्प नाल बनता गा। फतेह खान एक बहुत ही एबल रूलर तो बहुत ही ताकतवर बंदा हुंदा एंड यह इन्ना ज़्यादा मशहूर हो जाता एक टाइम पर आके महाराजा रणजीत सिंह के नाल लड़ाई इसे दी होगी गाह जाके देखी जाए किवें। तो बेसिकली जो शाह महमूद किंग ऑफ अफगानिस्तान दोबारा बनता गा तो फिर फतेह खान उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर चुनिया जाता गा वजीर चुनिया जाता। इस टाइम पर किंग ताकतवर नहीं है इस टाइम पर वजीर ताकतवर है जिमें आप मराठा के पढ़ते हाँ कि पहला मराठा किंग होंगे सके जो बालाजी बाजीराव वर्गे आ गए तो उस टाइम पर फिर पेशवा स्ट्रोंग हो गए। सेम टाइम इसे इतने की होया पहला किंग ताकतवर हों बट जो फतेह खान आ गया तो वजीर के हाथ में ताकत ज़्यादा होगी यानी जो प्राइम मिनिस्टर हों हाथ में ताकत ज़्यादा होगी। सो मैं फिर तो दोबारा दोहराना कि 1797 आप मूवी पूरे तरीके याद करके जाना 1797 शुकर चक्किया मिसल के चीफ महाराजा रणजीत सिंह किंग जिहड़ा अफगानिस्तान का किंग हुंदा शाह जमन हुंदा गा शाह जमन लाहौर ते कब्जा करन फिरदा हुंदा। सेम टाइम ते महाराजा रणजीत सिंह भंगी सरदारां दे हत्थों शाह जमन लाहौर तां ले लैंदा पर अफगानिस्तान दे विच रिवोल्ट होण करके उहदे भरा दे हत्थों शाह महमूद आ जिहड़ा उधर चल जाना पै जांदा तां फिर भंगी सरदारां तों दोबारा यानी कब्जा जिहड़ा भंगी सरदारां दा हो जांदा महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लै लैंदे 1799 दे विच। बट 1800 दे विच शाह जमन नूं हरा के शाह महमूद अपने तख्त ते बहिंदा बड़ा ज़्यादा टैक नहीं पाँगा 3 सालों बाद शाह शुजा उहदा कज़न ब्रदर भी आ जाता बट शाह शुजा भी इन्ना ज़्यादा तकड़ा रूलर नहीं हुंदा इस करके अटक हो गया पेशावर हो गया मुल्तान हो गया दराजत हो गया इन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिकलेयर करता इंडिपेंडेंट डिकलेयर करता। तो फिर उस तो बाद पता लगता कि शाह महमूद एक फतेह खान बंदा लभदा जां कह लो भी फतेह खान एक कमांडर आउंदा जिहड़ा शाह महमूद नूं अपनी हैल्प दे नाल दोबारा तो किंग बनाउंदा। बट इस टाइम पर ताकतवर कौन आ फतेह खान क्योंकि फतेह खान ही शाह महमूद नूं बनाउंदा फतेह खान बनता वजीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। सो हुण गलबात तुहानूं सारी पता लग गई होणी है। हुण इसे अराजकता दे चक्कर दे विच महाराजा रणजीत सिंह की भी इन्हां ते अख हुंदी आ कि पेशावर अड्डता हो गया पर मैं नहीं छड्दा मुल्तान अड्डता हो गया कश्मीर अड्डता हो गया अटक अड्डता हो गया दराजत अड्डता हो गया पर मेरी अख इन्हां ते आ महाराजा रणजीत सिंह सिख अंपायर नूं अग्गे वधाउणा चाहुंदे सी ते महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे आह इंडिपेंडेंट जिहड़ियां होईयां इन्हां नूं तां मैं हिस्से दे विच लै लूँगा। पर फतेह खान जदों प्राइम मिनिस्टर वजीर बनदा गा ताकतवर वह भी हुंदा गा वह कहिंदा जिहड़ियां शाह शुजा दे टाइम ते अफगानिस्तान दीआं टैरिटरीआं अड हो गईआं जिन्हां ने अपने आप नूं आजाद डिकलेयर करता मैं आ गया उन्हां नूं वापस अफगानिस्तान दी टैरिटरी जां अफगानिस्तान दे अंडर ही साडे अंडर ही आउणा पऊगा। हुण सेम टाइम ते पेचा महाराजा रणजीत सिंह ते फतेह खान दा
फस गया इस टाइम तो फिर पैक्ट हुंदा गा संधि हुंदी है जिहड़ी कि आप 1813 दे विच पढ़दे हाँ फतेह खान ते महाराजा रणजीत सिंह जी विचकार महाराजा रणजीत सिंह विचकार 1813 दे विच एक पैक्ट हुंदा गा ਉਹ ਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 12,000 ਦੀ ਆਰਮੀ 12,000 ਦੀ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਮੁੱਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਟਵਿਸਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਟਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਹਾਂਦਦ ਖਾਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਊਂਗਾ ਦੇਖੇ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਅਟਕ ਦਾ ਰੂਲਰ ਜਹਾਂਦਦ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੁਡਾ ਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਫਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਆ ਚੱਕੋ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਿਲੇਟਡ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਚੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਨ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਪਸ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਏਬਲ ਰੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਊਂਗਾ ਪਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨਾ ਯਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਫਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਕਟ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
अटक ते अख कर लेंदे महाराजा रणजीत सिंह। हुण बैटल ऑफ अटक या अटक तू अटक नूं जिहड़ा कर्ज दे विच लिया जांदा, हुण अटक भी इंडिपेंडेंट हुंदा। ध्यान दे नाल एक पासे मैं लिखदा इत्थे, एक पासे मैं लिखदा कि कश्मीर आ जिहड़ा उह इंडिपेंडेंट आ, कश्मीर आ जिहड़ा इंडिपेंडेंट आ, बट फतेह खान उसनूं जित लैंदा। वह अड गल आ कि महाराजा रणजीत सिंह की फौज भी विच हुंदी आ, वह अड गल आ कि वह प्रोमिस तो मुकर जांदा, कोई चक्कर नहीं कश्मीर फिर जित लांगे, कोई चक्कर नहीं उन्हें धोखा देता, कोई चक्कर नहीं आप कश्मीर फिर जितांगे। महाराजा रणजीत सिंह ने दिल से पत्थर धर के कोई चक्कर नहीं कहता, तू बदला तेरे तो लिया जाऊगा। सो बेसिकली कश हुण एक पासे इंडिपेंडेंट अटक भी है, हुण महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे आए करदे फिर जिहड़ा अटक इंडिपेंडेंट आ आप उस ते कब्जा करिए। हुण अटक दा रूलर कौन है, जिन्हें शाह शुजा नूं जेल च पचाया सी, पचाया सी याद है, तो अटक दा रूलर हैगा जी इस टाइम ते जहांदद खान। जदों जहांदद खान नूं पता लगता कि महाराजा रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह अपनी फोर्स लैके आ रहे, जहांदद खान तो कहता जी बस आपां तां यानी पासे हो जाने, आपां नहीं लड़दे लुड़दे। तो बेसिकली जहांदद खान लड़दा ही नहीं, तो बेसिकली की हुंदा कि अटक ते जिहड़ा कब्जा हुंदा गा महाराजा रणजीत सिंह दा बड़ी छेती हो जाता। फतेह खान नूं जदों पता लगता भी यार कश्मीर ते तां मेरा कब्जा हो गया, बट महाराजा रणजीत सिंह मेरी इंडिपेंडेंट अफगान टैरिटरी लै गया अटक, तो फतेह खान कहिंदा आ कश्मीर मेरे भरा आजम खान तू सांभ। ये आजम खान भी नाम याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है, अपने आजम खान भरा नूं कश्मीर आ जिहड़ा सौंप जांदा, कहिंदा मैनूं जाण दे अटक महाराजा रणजीत सिंह नूं सबक सिखा के आउणा। हुण अटक ते क्यों कीता सी महाराजा रणजीत सिंह ने, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह नूं पता सी भी फतेह खान इत्थे आऊगा, महाराजा रणजीत सिंह दे आ सही पुत्रा तैनूं सबक सिखाईए। तां फिर बैटल ऑफ हाजरो हुंदी आ, बैटल ऑफ हाजरो 1813 दे विच बैटल ऑफ हाजरो, इहनूं बैटल ऑफ हैदरू भी कहा जांदा गा। इत्थे फिर फतेह खान जदों पहुँचदा तां ऐसा धो धो के मारिया जांदा सिख आर्मी वल्लों, यानी ऐं कह लो भी फतेह खान दा जलूस निकल जांदा इत्थे। महाराजा रणजीत सिंह की सिख फोर्स इन्नी ज़्यादा इस टाइम पर ताकतवर होंगी है कि अटक नूं तां उन्हां ने कब्जे दे विच लेना ही हुंदा, ऐं कह लो भी फतेह खान मुड़ के अटक वल झाकदा नहीं, बस कश्मीर ते आजम खान नूं अपना भरा नूं सौंप जांदा भी तूं जिहड़ा कश्मीर साहब, यानी फतेह खान नूं दोबारा अपने अफगानिस्तान वापस काबुल जाना पैंदा गा। यानी कहने का मतलब की आ कि जो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर दे विच तां धोखा देता, अटक नहीं महाराजा रणजीत सिंह ने छड्डिया, तां महाराजा रणजीत सिंह दा अटक ते कब्जा हो गया 1813। समझ गए गल। हुण बेसिकली फतेह खान नूं बेइज्जती तां महसूस होगी यार कि एक पासे मेरा इन्ना ज़्यादा नाम है यार भी कमाल करती भी मैनूं तां नाल दे नाल ही हराता उन्होंने। तो बेसिकली उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह दा इन्ना ज़्यादा दबदबा वध जांदा कि वह कहिंदा भी हुण जिहड़ियां बाकी इंडिपेंडेंट आ, यानी जिहड़ा आजम खान कोल कश्मीर आ, आपां उह भी लवांगे। पर ठीक है, जेकर एक बारी प्री पेपर क्लीयर हो जाए ना, तो इक्को दम यह नहीं सोचीदा कि साडा हुण मेन्स भी क्लीयर हो जूगा। कहण का मतलब की है कि इतिहास ही आपां बहुत कुछ सिखा के जाता। तो बेसिकली इन्ना ज़्यादा सिख आर्मी का जोश वध जाता गा, पर उस जोश के थोड़िया बहुत गलतियां हो जाए, कश्मीर नूं दोबारा जितया नहीं जाता। यानी कहण का मतलब 1814 के जो अटक तो 1813 कब्जा हो जाता, तो फतेह खान नूं बुरी तरह हराया जाता। पता हुंदा कि फतेह खान का भरा आजम खान कश्मीर ते आ, तां राम दयाल नाम की एक कमांड दे हेठ राम दयाल हुंदा गा जिहड़ा कि महाराजा रणजीत सिंह वल्लों फौज लैके जांदा गा, बट कश्मीर नूं हजे जितया नहीं जांदा। कोई चक्कर नहीं, जेकर पहली बार पेपर च क्लीयर नहीं होए तो इहदा मतलब यह नहीं कि आपां माड़े हाँ, दूजी बार च पेपर क्लीयर हो जूगा, कोई चक्कर नहीं। महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे अपने कोल इंडिपेंडेंट किन्नियां ही पईआं, एक अटक ते तां कब्जा कर लिया, कश्मीर नूं आपां निगाह दे विच रखदे, कोई चक्कर नहीं, आपां नूं हिसाब किताब सारा फिर की होगा जे जितया गया नहीं, कोई चक्कर नहीं। मुल्तान पिया, पिशावर पिया, दराजत पिया, जिहड़ियां इंडिपेंडेंट पईआं आपां उन्हां नूं तो जित लईए। तां मुल्तान किन्नी कब्जा हो गया, यानी 1818 दे विच मिसर दीवान चंद, 1818 दे विच मिसर दीवान चंद दे अंडर फौज भेजी जांदी आ ते मुल्तान नूं अपने कब्जे च लै लिया जाता। मुल्तान के नाल नाल दराजत नूं अपने कब्जे च लै लिया जाता है। तो बेसिकली अटक भी अपने कब्जे च, मुल्तान भी अपने कब्जे च, दराजत भी अपने कब्जे च। तो कहण का मतलब बहुत तगड़े तरीके दे नाल जो इंडिपेंडेंट अपने आप नूं बहुत ताकतवर अफगानिस्तान अफगानी जो टैरिटरियां कहाउंदियां सी ओह सिख अंपायर दे विच ऐड हो गई। सो बेसिकली इत्थों सारी कहानी तुहानूं हुण समझ लग गई होगी कि किवें इह सारा कुछ एक दूसरे दे नाल कनैक्टड है। हुण देखो, हुण अख किस ते हो, अपने आप ही समझो कि अख किस ते हो, पिशावर ते। हुण पिशावर रह गया निगाह दे विच कि कोई चक्कर नहीं कश्मीर नूं तां जित्तांगे, कोई चक्कर नहीं हजे जित्तांगे, कश्मीर दा तां आपां नूं हिसाब किताब हैगा। मुल्तान अपने अंडर हो गया, अटक अपने अंडर हो गया, दराजत अपने अंडर हो गया, कोई चक्कर नहीं कश्मीर नूं भी लै लांगे ते पिशावर नूं भी लै लांगे। हुण पिशावर ते हमला करना हुंदा, पर हजे उस टाइम ते
उन्नी तकड़े तरीके सिख आर्मी तैयार नहीं होंगी। इस टाइम पर की होंगे ना, कुदरती आजम खान जो कश्मीर छड़ जाता, कुदरती आजम खान कश्मीर छड़ के इस टाइम पर कश्मीर का रूलर बन जाता जाबर खान। कश्मीर का जो रूलर बनता गा जाबर खान, सिख आर्मी को पता लगता भी क्या बात है, नवा नवा आया ढालो फड़ के। तो बेसिकली जाबर खान तो फिर जबर जुलम करके सारा कुछ कैंट तरीके दे नाल यानी कि कश्मीर ते कब्जा हो जाता। सो बेसिकली जिहड़ियां इंडिपेंडेंट टेरिटरियां अटक हो गया अपने कब्जे, मुल्तान हो गया अपने कब्जे, दराजत हो गया अपने कब्जे, कश्मीर हो गया अपने कब्जे। हुण सब तो ताकतवर एक चीज़ रहेगी जिहड़ी कि पिशावर सी। हुण कहिंदे भाई हुण पिशावर तैनू भी नहीं छड्णा। तो इस टाइम पर फिर 1823 दे विच एक बैटल आउंदी है जी, बैटल ऑफ नौशेरा, बैटल ऑफ नौशेरा 1823 दे विच। हुण सारी कहानी तुहानू समझ लग गई, फतेह खान भी तुरै फिरदा, शाह शूजा भी तुरै फिरदा, शाह महमूद भी तुरै फिरदा। फतेह खान की भरा की एंट्री भी आपां कराती आजम खान की, तो वह भी तुरया फिरदा गा। हुण बेसिकली नौशेरा की लड़ाई जदों, ये बेसिकली बड़ा इंट्रस्टिंग है। हुण शाह महमूद तुहानू लास्ट टाइम पर कदों सुनिया सी, जो फतेह खान ने शाह महमूद को राजा बनाया। उस तो बाद फतेह फतेह खान ही हो रही है, फतेह खान ही महाराजा रणजीत सिंह पैक्ट करता, फतेह खान ही कश्मीर जितता गा, फतेह खान ही महाराजा रणजीत सिंह बैटल ऑफ हाजरों च लड़ता गा, हार जाता वो अड्ड गल है, पर फतेह फतेह ही हो रही है। इस टाइम पर जोड़ा शाह महमूद का एक पुत्र होंदा गा कामरान, वह कहता यार मेरे पापे नूं तो कोई पुछ ही नहीं रहा, क्या बात है, भी मतलब प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वजीर वजीर ही होई जांदी आ, मेरा पापा किंग अफगानिस्तान का, काबुल का किंग है, भी यदि गलबात तो कोई कर ही नहीं रहा। यह कहता पापा कोई चक्कर नहीं, कामरान कहता मैं बदला लूँगा। यह की करता एक कॉन्सपरेसी के आके फतेह खान को चुका दिता है, फतेह खान मारिया जाता, क्या बात है, यानी शाह महमूद का पुत्र कामरान फतेह खान मरा दिता। हालांकि ये पापे को फतेह खान ने ही किंग बनाया हों, कहता भी मैं रूलर बनना, यानी वजीर वजूर कौन हों, फतेह खान को चुका दिता। हूँ फतेह खान तो चक्या गया, फतेह खान का भरा जोड़ा है जी आजम खान कहता हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है, आजम खान कहता मैं बदला लूँगा। आजम खान फिर कामरान हरा के टका के बिठा दिता भी पुत्रा वजीर वजीर ही होंगे, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, मेरा भी फतेह खान भरा कहण का मतलब इन्ना ज्यादा ताकतवर से मैं भी तो ताकतवर होऊंगा। यानी कह मतलब कामरान का जो एक तरीका होंगे गा फतेह खान बेसिकली मरा के भी आपां राज करांगे, वह कामयाब नहीं होंगे। आजम खान की करता गा शाह महमूद को हटा के कामरान तो पासे हो ही जाता गा, एक नवा बंदा लिया जिहदा नाम होंदा जी अयूब खान। अयूब खान यह तो बलि का बकरा ही होंगे, बस इन कह देंदे नाम का होंगे भी भाई तू अफगानिस्तान का राजा, तो अपने आप को वजीर डिकलेयर कर दिता कौन भला, फतेह खान का भरा आजम खान। यानी इस टाइम पर आजम खान बन जाता गा PM ऑफ अफगानिस्तान, जा कह लो वजीर, यानी फतेह खान की थान पर हूँ उस का भरा आजम खान आ जाता है। कि ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल समझ आया होना, मूवी नहीं लग रही यार, ए नहीं लग रहा भी क्या बात है यार, इन्ने इंट्रस्टिंग वे तो अब पढ़े ही नहीं, क्या बात है, मतलब कि ज़्यादा इंट्रस्टिंग है, एक दूसरे के नाल कनैक्ट है। कितों आप लगे वो शाह जमन तो लगे, शाह जमन तो बाद शाह महमूद आया, फिर शाह शूजा आया, सारिया टेरिटरियां अड्ड अड्ड हो गई, पिशावर अड्ड हो गया, मुल्तान अड्ड हो गया, अफगानी जड़ा कश्मीर अड्ड हो गया, अटक अड्ड हो गया, दराजत अड्ड हो गया। फतेह खान की एंट्री होंगी, फतेह खान कहता कश्मीर से मैं कब्जा करूँगा, टैर पैक्ट होंगे महाराजा रणजीत सिंह के नाल मुकर जाता, फिर महाराजा रणजीत सिंह फतेह खान विचकार लड़ाई होंगी है, है ना, फतेह खान को सबक सिखाने वास्ते बैटल ऑफ हाजरों, तो बेसिकली अटक से कब्जा कर लेंदा, फिर अटक तो बाद महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान से कब्जा कर लेंदे, जराजे से कब्जा कर लेंदे, तो जदों फिर आजम खान कश्मीर छड़दा गा, यानी कहने का मतलब जाबर खान कश्मीर से आउंदा गा, उस टाइम पर कश्मीर से भी कब्जा महाराजा रणजीत सिंह कर लेंदा। सर लगभग जिन्नियां भी इंडिपेंडेंट अफगान टैरिटरी सीगियां वह सारिया अपने सिख अंपायर दे विच आ गई। हुण पिशावर रह गया, हुण बेसिकली बैटल ऑफ नौशेरा दे टाइम ते की हुंदा गा, जिहड़ी कामरान फतेह खान नूं मरा दिंदा, तो उस तो बाद आजम खान वजीर वजीर बनता गा, तो अयूब खान जिहड़ा किंग बनता गा। यह सारिया गतिविधियां दे चलदे दे विच महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे भी इह तां इधर बिजी आ, आपां पिशावर चक लो, आपां पिशावर चक लो। तो उस टाइम पर पिशावर ते दो जणे बैठे हुंदे आ, वह दो जणे जिहड़े राज कर रहे हुंदे, एक दा यार नाम तां हुंदा यार मुहम्मद खान, तो दूसरे का नाम होंगे दोस्त मुहम्मद खान। यार दोस्त कट्ठे ही होंगे, यानी कहण का मतलब जदों यह सारा कुछ चल रहा होंगे गा उस टाइम पर पिशावर से यार ते दोस्त मुहम्मद खान बैठे होंगे 1824 23 दे विच नौ बैटल ऑफ नौशेरा आप पढ़ दी, चलो गतिविधि करांगे। सो बेसिकली यार मुहम्मद खान ते दोस्त मुहम्मद खान पिशावर बैठे होंगे, जो पता लगता कि महाराजा रणजीत सिंह अपनी फोर्स लैके आ रहे हैं, ये तो
यार दोस्त इकट्ठे भज जाते हैं भी अपने तो लड़े ही नहीं जाना। ये भज जाते यानी पेशावर भी अपने अंडर आ जाता गा। तो इस टाइम तो अटक का रूलर हुंदा गा। अटक का रूलर हमेशा याद रखना जहांदद खान, जिन्हें शाह शूजा भी जहांदद खान शाह शूजा प्रिजन बनाया सी, फिर अटक से जो कब्जा किया जहांदद खान ने भी हाथ जोड़ते महाराजा जी का भी साथ तो लड़े नहीं आना। सो अटक दे जो रूलर नू, अटक दे रूलर नू यार दोस्त मुहम्मद खान जिहड़े छड्ड के भज जांदे पेशावर नू, अटक दे रूलर नू पेशावर दा राजा बना दिता जांदा महाराजा रणजीत सिंह दी कमांड हेठ भी तू पेशावर सांभ, क्योंकि जहांदद खान हुण बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह दी साइड ते हुंदा। पर जदों सिख फोर्स लाहौर वल पहुँचती है पता लगता कि जहांदद खान यार ते दोस्त मुहम्मद खान तो भी डर गया। ये यार दोस्त मुहम्मद खान ने दोबारा पेशावर ते कब्जा कर लिया। पर इस टाइम ते उन्हां नूं कहा गया महाराजा रणजीत सिंह नूं सुनेहा भेजा कि थोड़े असी वल हैं, यानी यार दोस्त मुहम्मद खान यह सीगा कि महाराजा रणजीत सिंह वापस ना आ जाए भी कहण दा मतलब असी कहा भी थोड़े अंडर हैं, जहांदद खान इन्ना ज़्यादा एबल नहीं है, असी थोड़े अंडर रह के काम करते हैं। सो बेसिकली की आ आजम खान ने जो ये सारा कुछ पता लगता भी यार आह की हो गया, क्योंकि आजम खान का एक तो भरा मारिया गया उस चक्कर के जिन्या इंडिपेंडेंट टैरिटरियां सी सारिया सिख अंडर हो गई, इको एक पेशावर से वह भी अंडर हो गया सिख हिस्ट यानी एम्पायर के हूँ जिन्या इंडिपेंडेंट सारिया ताकतवर से, चाहे वह मुल्तान ला लो, अटक ला लो, दराजत ला लो, जां फिर कश्मीर ला लो, जां फिर पेशावर ला लो, हूँ सारा कुछ सिख टैरिटरी के एंटर हो चुकया। तो कहने का मतलब आजम खान तो गुस्सा आऊगा ही आऊगा, तो आजम खान इको दम सिख फोर्स से हमला करता, तो फिर वह नौ शेरों के लड़ाई होंगी है, नौ शेरों के लड़ाई होंगी है आजम खान तो महाराजा रणजीत सिंह विचकार। एंड इतिहास के बैटल ऑफ नौ शेरों का इन्ना ज़्यादा इतिहासिक महत्व है, इन्ना ज़्यादा नाम है, पहला फतेह खान तो मारिया इस टाइम तो आजम खान तो मारिया, यानी ए कह लो भी नेरिया ही बनती हैं सिखा ने, यानी इन्नी तकड़ी फोर्स महाराजा रणजीत सिंह की आजम खान का पड़ाका पाता, यानी जिमें फतेह खान हार के गया से उस तरीके आजम खान भी यानी हार का सामना करना पिया। सो बैटल ऑफ नौशेरा दे विच भी कहने का मतलब हुण पेशावर ते भी अपना यानी कि बेसिकली कब्जा एक तरीके नाल हो चुकया, पर हजे उवें नहीं कब्जा होया, क्योंकि जिस बंदे नूं जहांदद खान नूं पेशावर का राजा बना के गए सी उह तां राजा है ही नहीं सीगा, यार ते दोस्त मुहम्मद खान सी। सो इस करके तुसीं कह सकदे हो कि हजे पेशावर अपने हथ दे विच उस तरीके दे नाल नहीं हैगा जिस तरीके दे नाल आपां कहिंदे आ कि सिख अंपायर दे विच मुल्तान है, सिख अंपायर दे विच तुहाडा कश्मीर है, सिख अंपायर दे विच अटक है, सिख अंपायर दे विच बाकी इंडिपेंडेंट टैरिटरी है, उस तरीके दे नाल हजे पेशावर नहीं हैगा। सो ये सारा कुछ कहानियां इस तरीके दे नाल चल रही हैं। हुण आजम खान भी बेसिकली हार गया, हुण आजम खान जिहड़ा हैगा भाई वह बेसिकली अपनी ह्यूमिलेशन दा मारिया जांदा। हुण देखो ध्यान दे नाल आपां शुरू तो एक वारी देखदे हां कि पहलां आपां लाहौर दी गलबात कीती है, लाहौर की गलबात की है, उस तरीके फिर आप इंडिपेंडेंट जिहड़ियां टैरिटरियां की गल की है जिद सारिया टैरिटरियां जिहड़ियां हैगियां भाई वह बेसिकली सिख अंपायर दे विच आके एंटर हो चुकी हैं, राइट। तो हुण आपां सारा कुछ कर लिया, एक पेशावर है थोड़ा बहुत वह अपने यानी हजे गलबात उवें बन नहीं रही, राइट। पेशावर ठीक है एक बार आप कब्जे के ले लिया, बट हजे भी वह गलबात बन रही नहीं। हुण इस टाइम पर की हुंदा गा आजम खान की करता, आजम खान की करता तब होर बेसिकली आसे पासे रूलर कट्ठे करता गा, होर रूलर कट्ठे करता। इधरों शाह शूजा की करता, शाह शूजा कहिंदा कि यार जिहड़ी मेरी इज्जत आ मैं रुलिया फिरदा बिच भी मेरी इज्जत दा की, भी मेरी इज्जत मेनू वापस की जाए। तो बेसिकली एक टाइम तो देखो शाह जमन है पहला, तो फिर उस तो बाद शाह महमूद है, फिर शाह शूजा गा जिहड़ा प्रिजन बना दिता जांदा कश्मीर, वह तो रुलदा फिरदा। फिर उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह कब्जे चो यानी जेल चो वापस छड़ा लेंदे आ, पर इस टाइम तो फतेह खान आजम खान सारे की चढ़ाई है भाई, राइट। अयूब खान किंग बन जाता, शाह शूजा महाराजा रणजीत सिंह को जाता कहता तुम मैंने छड़ा तो लिया पर मेरी हजे इज्जत वह है नहीं। तो बेसिकली शाह शूजा दोबारा तो एक्टिव हों, शाह शूजा कहता तुम मेरे नाल संधि करो, महाराजा रणजीत सिंह कहता कहता आपां कट्ठे काम करते हैं, तुम मैनू अपने नाल रलाओ। तो बेसिकली शाह शूजा कहता भी थोड़ा मैं पपट बन के बेसिकली एक तरीके है ना भी मैं काम करूँगा भी तुम दसो की करना। तो बेसिकली की होंगे हूँ पेशावर एक तरीके कब्जे के लिया नहीं होंगे, शाह शूजा कहता भी पेशावर जोड़ा थोड़ी एक रह गया, बाकी सारी इंडिपेंडेंट टैरिटरियां अपन है, पेशावर हजे दोस्त मुहम्मद खान या उन्होंने कोगा, क्योंकि पता गल की है यार मुहम्मद खान के दोस्त मुहम्मद खान ने यह कहता स कि महाराजा रणजीत सिंह भी असं थोड़े अंडर ही काम करा, पर उस टाइम तो एक सुल्तान मुहम्मद पेशावर से कब्जा कर लेंदा।
दोस्त मुहम्मद खान उन्होंने यार दोस्ती होंगी है। सुल्तान मुहम्मद जो कब्जा करता ना, सुल्तान मुहम्मद का भी नाम बहुत तगड़ा होंगे, यानी कहने का मतलब अपने आप के बहुत तगड़ी फोर्स होंगी है, बहुत तगड़ी फोर्स होंगी सुल्तान मुहम्मद को। जब शाह शुजा कहता भी आप पेशावर कब्जे के लेने तो शाह शुजा कहता महाराजा रणजीत सिंह भी मैं थोड़े नाल हाँ, कहने का मतलब तो महाराजा रणजीत सिंह इस टाइम ट्रस्ट नहीं करते, इस टाइम ट्रस्ट नहीं करते भी कि शाह शुजा जाके कि सुल्तान मुहम्मद नाल ही रजे, तो नाल दी नाल की करते भी कहें तू पासे हट माड़ा जा, मैनू तगड़ी फोर्स भेजण दे पेशावर। तो फिर पेशावर दे विच एक तगड़ी फोर्स भेजी जाती 1833 दे विच, जिहदे विच फिर कौन हुंदा गा, नौ निहाल सिंह हरी सिंह नलुआ, हरी सिंह नलुआ जिहड़ा कि पहला गवर्नर बनता पेशावर का। हरी सिंह नलुआ ऐसा नाम है, बस ऐ कह लो भी चंगियाड़े ठाते हरी सिंह नलुआ। तो एक सीगा भाई अंग्रेज़ जिहड़ा कि फौजी फौजदारी सीगा जनरल वेंचुरा, ये भी महाराजा रणजीत सिंह की कोर्ट के बच्चे से। सो इन तिना दे कमांड हेठ फिर पेशावर से हमला होंगे गा 1833 दे, ऐ कह लो भी नेरियां ठा दें तिने जने, यानी ऐ कह लो भी फिर कोई आजम खान आई जाए, कोई दोस्त मुहम्मद खान आई जाए, कोई यार मुहम्मद खान आई जाए, कोई सुल्तान मुहम्मद आई जाए, पेशावर अपने अंडर हो गया। यानी कहने का मतलब हरी सिंह नलुआ ने ऐसे तगड़े तरीके दे नाल धोताई की है। हरी सिंह नलुआ पहला गवर्नर बनता गा, कहने का मतलब जो यानी जिहड़ा हैगा तुहाडा पेशावर, पेशावर का पहला गवर्नर बन जाता। सो बेसिकली हुण इत्थे आपां की समझ रहे हैं कि 1833 कदों लगे आपां 1797 तो लाहौर ते बाकी जिहड़ियां लड़ाइयां सारियां एक दूसरे दे नाल इंटरकनैक्ट है। हुण जे मैं तुहानूं पुछां कि पहला जे आपां लाहौर तो बाद की गल करिए भी कश्मीर ते जिहड़ा हमला होया 1813 है ना, वह क्यों होया भाई फतेह खान करके, क्योंकि फतेह खान ने पैक्ट कर लिया, फिर अटक नू कब्जे दे विच किवें लिया, क्योंकि फतेह खान करके, क्योंकि फतेह खान मुकर गया सी अपने प्रोमिस तो, फिर अटक दे बैटल ऑफ हाजर जिहड़ी हुई है, फिर मुल्तान नू कब्जे दे विच लै लिया, फिर कश्मीर नू कब्जे दे विच लै लिया, फिर दराज नू कब्जे दे विच लै लिया, फिर बैटल ऑफ नौशेरा हुई, क्योंकि उस टाइम तो फतेह खान तो मारिया गया, कामरान ने मारता, तो उस तो बाद कामरान नू हरा के आजम खान प्राइम मिनिस्टर बन जाता गा, वजीर बन जाता गा, अयूब खान बन जाता गा, है ना, किन्नी रिलेटेबल आ। फिर पेशावर दोस्त मुहम्मद खान यार मुहम्मद खान आ जाते हैं, पेशावर से हमला होंगे गा, पेशावर में जित लेंगे, बट फिर यार मुहम्मद दोस्त मुहम्मद खान को चला जाता, फिर उस तो बाद गल्लां बातां सारियां करदे कराउंदे आप पेशावर से दोबारा हमला करते हैं। शाह शुजा हुण एक पासे कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह साइड है, पर उमें ट्रस्ट नहीं किया जाता भी, ये तो पतंदर दे पता नहीं लगता किहड़े वेले चेंज हो जाता। तो इस टाइम तो फिर तकड़ी फोर्स चाहिए सी, वह तकड़ी फोर्स किहड़ी सी, नौ निहाल सिंह हरी सिंह नलुआ एंड जनरल वेंचुरा, इन्हां तिन्हां दी कमांड हेठ जदों भेजा जाता तो पेशावर नूं भी अपने कब्जे दे विच लै लिया जाता। तो जदों ये सारा कुछ हो जाता गा 1835 तो लैके 1838 तक जिहड़ा दोस्त मुहम्मद खान हुंदा ना पूरा तड़फदा पूरा तड़फदा, वह कहिंदा भाई मैनू पेशावर मेरा वापस कर दो, मैनू पेशावर मेरा वापस कर दो, कहिंदा जां तां फिर वापस कर दो ते जां फिर हमले लई तैयार हो जाओ। चिट्ठी भेजदा महाराजा रणजीत सिंह नूं, महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे तू हमला ही कर ला, तू हमला ही कर, क्योंकि इन्ने ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होंगी है, सिख अंपायर इन्ना ज़्यादा तगड़ा हो चुका होंगे, तो कहते तू भाई हमला ही कर ला कोई चक्कर नहीं। तो जो हमला कर दिया इत्थे एक खेड खेडी जाती है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जेकर तुसीं पढ़ोगे ना ध्यान दे नाल तां एक तरीके दे नाल बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटैलीजेंट परसन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो, क्योंकि उन्होंने एक हिसाब किताब से कि किस तरीके अपने राज नू, यानी वो किसी चीज़ के मगर भी नहीं पे, तो जिहड़ी चीज़ के मगर पाया उह फिर अपने कब्जे दे विच लिया जिवें मर्जी लिया। हुण इस टाइम ते जदों मैं पेशावर दोस्त मुहम्मद खान जिहड़ा हैगा वह अड हो गया, सुल्तान मुहम्मद भी आ गया सी, जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया सुल्तान मुहम्मद अपने आप दे विच बहुत तकड़ा रूलर सी। तां हुण जदों पेशावर ते दुबारा चैलेंज एक्सैप्ट कर लिया महाराजा रणजीत सिंह ने, पता सी दोस्त मुहम्मद खान आ जिहड़ा वो हमला करेगा, तो दोस्त मुहम्मद खान ने शाह जिहड़ा सुल्तान मुहम्मद आ उहदे नाल हत्थ मिलाए। राइट आ, भी आपां हुण सुल्तान मुहम्मद भी बेसिकली अपने बदला तो लेना चाहुंदा सी अपने बेइज्जती का, तो जदों महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लगता कि यार ये फिर इकट्ठे होण लग गए, काबुल का रूलर भी है जिहड़ा वह भी इकट्ठे, यानी सारे इकट्ठे हो जाएंगे भी एक तरीके दे नाल, भी हजे उवें फौज तैयार नहीं हैगी। तो फिर एक फॉरन मिनिस्टर हुंदा गा महाराजा रणजीत सिंह दे कोर्ट दे विच, फॉरन मिनिस्टर का नाम पता की हुंदा गा, फकीर अजीज़ उद्दीन। ये फॉरन मिनिस्टर का जिवें डिप्लोमैट, जिवें आपां अज भी पढ़ते राजदूत है, एक दूसरे के कंट्री सलाह मशवरे जो भी हुंदे, तो फकीर अजीज़ उद्दीन महाराजा रणजीत सिंह कहिंदे भी अपनी हजे ना फौज उन्नी ज़्यादा हजे मतलब तैयार नहीं हैगी, भी तू ए कर यार माड़ा ही इन्हों गल बातों के उल जा। तो फॉरन मिनिस्टर हों, फॉरन मिनिस्टर को सारे उदा पेच होंगे, तो बेसिकली सुल्तान मुहम्मद से दोस्त मुहम्मद खान को उलझा लेंदा, यानी गल बातों के ला लेंदा। तो दूसरे पासे कहा जाता भी सुल्तान मुहम्मद जे दोस्त मुहम्मद का साथ ना दे तो पेशावर इन्हों का कदे हो ही नहीं सकता। तो उही चीज़ हुई, फकीर अजीज़ उद्दीन ने ऐसा जाल मचाया
कि सुल्तान मुहम्मद ने दोस्त मुहम्मद खान का साथ देना यानी नहीं मतलब साथ देने तो मुकर गया। तो जो सुल्तान मुहम्मद मुकर गया दोस्त मुहम्मद खान कला बेचारा की करता है ना कला चाहे चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी मरे। सर दोस्त मुहम्मद खान पिशावर से मतलब हमला करता जरूर है पर सुल्तान मुहम्मद की जो फौज पासे हो जाती है साइड पर हो जाती है तो दोस्त मुहम्मद खान पूरी बेइज्जती दे नाल पूरी तसली दे नाल वापस भेजा जाता भी जा मित्रा तेरा यार तो बेवफा हो गया। यानी कहने का मतलब जो 1834 के पिशावर से दोबारा रीकैप्चर कर फिरता हों दोस्त मुहम्मद खान और रीकैप्चर हों ही नहीं बिना लड़ाई लड़े पिशावर फिर एक बार सिख अंपायर के ही रहा गा लाहौर राज ही रहा गा। सो इतों आप सारी जी कहानी समझ ला गई हूँ इतने अंग्रेजा की एक चाल चलती है अंग्रेजा की एक बेसिकली एंट्री होंगी है 1838 या आस पास कह लो 1836-37 रशिया जड़ा हुंदा वह एशिया वाले नूं वध रहा हुंदा हुण एशिया वाले नूं वधदा एशिया ते लगभग ब्रिटिश दा जड़ा कब्जा हुंदा गा ब्रिटिश नूं हुंदा वी कि रशिया आके साडा ना सारा कुछ हिला दे तां बेसिकली अंग्रेज की करदे आ अंग्रेज हुण उस टाइम ते तकड़े कौन सीगे जां तां अफगान तकड़े सीगे ते एक टाइम ते हुण इत्थे अफगाना तों वी उत्ते सिख आर्मी आ चुकी आ तां अंग्रेजां ने की कीता अफगाना दे नाल संधि करनी चाहिए। हुण अफगाना दे विच जिहड़ा मशहूर सीगा वह जां तां दोस्त मुहम्मद खान सीगा ते जां फिर सुल्तान मुहम्मद सीगा। तां अफगाना कोले जदों जांदे आ बेसिकली अंग्रेज जांदे वी ऐं करके भी संधि कर लो साडे नाल दोस्त मुहम्मद खान। दोस्त मुहम्मद खान नाल इन्नी बुरी हुंदी आ वह कहिंदा वी पहलां महाराजा अजीत सिंह नूं मतलब जिहड़ा पिशावर आ मेरा मैनूं पिशावर दवाओ मैनूं पिशावर दवाओ वी जिहड़ा मेरा पिशावर गया होया। सो बेसिकली महाराजा अजीत सिंह तो पिशावर की जो मंग करता भी अंग्रेजा की हैल्प के नाल मैं पिशावर ले लाँ। हुण अंग्रेज जिहड़े सीगे बड़े वह भी चालू सी बाकी महाराजा अजीत सिंह अंग्रेजा की बनती सी कहने का मतलब की है कि उन्होंने पता से भी सिख तो पहली ताकतवर है भी इन्हों तो असी दोस्त मुहम्मद खान का हैल्प करके की करांगे भी पिशावर तो आप कब्जे के ले ही नहीं सकते तो बेसिकली महाराजा अजीत सिंह पंगा लैन की बजाय उन्होंने दोस्त मुहम्मद खान मारी लत भी तू जा अच्छ तो महाराजा अजीत सिंह को जाने तो बेसिकली फिर अंग्रेज आ जोड़े महाराजा रणजीत सिंह को जाते हैं तो उस टाइम तो फिर शाह शूजा के ट्रिटी होंगी है क्योंकि शाह शूजा भी मिन्नत करता फिर हों मेरी इज्जत बचा लो मेरी इज्जत बचा लो तो फिर एक तिकड़ी संधि होंगी है ट्राइपरटाइट होंगी है ट्राइपरटाइट 1838 के होंगी है शाह शूजा जिहड़ा कि अफगानिस्तान का रूलर बनता गा महाराजा रणजीत सिंह के विचकार होंगी है एंड ब्रिटिश के विचकार होंगी है। सो बेसिकली इन्हें तिना के विचकार संधि होंगी है हालांकि इतने सकेप गोट बली का बकरा शाह शूजे बनाया जाता कहा जाता भी इस ट्रिटी के मुताबिक शाह शूजा किसी बारले की हैल्प नहीं करेगा किसी बाहरों जेकर हैल्प लूगा तो साडे बिना पुछे नहीं लूगा साडी फोर्स का यानी साडी फोर्स यदि हैल्प करेगी साडी हैल्प करेगा यानी बेसिकली अफगानिस्तान पूरे तरीके दे नाल ब्रिटिश ते सिख रल के करदे शाह शूजा दे अंडर रह अंडर नहीं शाह शूजा नूं अंडर रख के बेसिकली शाह शूजा बस शाह शूजा नूं तां होर लड़ाई लड़ूई नाल कोई मतलब नहीं हुंदा इहनूं तां सिर्फ ये हुंदा वी मैं अपनी इज्जत बचाउणी आ किस तरीके नाल इज्जत बचावां बस मैं रूलर हां किंग हां बस ठीक है। तो बेसिकली ट्राइपरटाइट 1838 दे विच हुंदी आ ते इस एक पासे दोस्त मुहम्मद खान आ जिहड़ा वह पिशावर 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 तो सुपनों के करता ही रहा बट वह सारा कुछ चलता रहा 1839 अनफॉर्चुनेटली 27 जून 1839 महाराजा रणजीत सिंह की डैथ हो जाती है तो यही कारण मनिया जाता कि एडा तकड़ा रूलर जदों उन्हां दी डैथ हो जाती है तो सिख अंपायर का उस टाइम तो डाउनफॉल चल पैंदा क्योंकि ब्रिटिश जिहड़े हुंदे आ वह एडे ज़्यादा कह लो भी चालू बंदे हुंदे जां एडे ज़्यादा जिवें कहिंदे हुंदे आ वी उन्हां नूं तां कोई फर्क नहीं दोस्ती जरूर सी महाराजा रणजीत सिंह नाल बट जदों महाराजा रणजीत सिंह चले गए तो उस तों बाद तुहानूं पता महाराजा रणजीत सिंह तों बाद जो उन्हां दी गद्दी सी जां कह लो सिख अंपायर नूं चलाउण वाला कोई इन्ना ज़्यादा एबल रूलर नहीं आया तो सिख अंपायर आ जिहड़ा वो अपना पीक ते हुंदे हुंदे वी डाउनफॉल वाले नूं चलिया गया। सो की इत्थों कहानी समझ लगी है तुहानूं कि किस तरीके दे नाल अफगानिस्तान नूं पंजाब दे हिस्सेदार बनाया गया जां पंजाब दे हिस्से विच लिया गया लाहौर राज दे विच लिया गया ते किस तरीके दे नाल महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर हो गया अटक हो गया पिशावर हो गया दराजत हो गया मुल्तान हो गया इस नूं अपने कब्जे दे विच लिया सी। एंड इत्थों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुछे जाते हैं मैं कहा कि जेकर पंजाब जीके दे विच क्वेश्चन पुछे जाण तो ऐं कह लो भी बहुत वधिया तरीके दे क्वेश्चन बन सकते हैं पर अनफॉर्चुनेटली पंजाब एग्जाम्स दे विच इन्ना ज़्यादा नहीं पुछा जाता PCS दे विच तां चलो हजे बहुत वधिया चीज़ा आ जांदियां। सो मेरे हिसाब दे नाल तुहानूं इह मूवी है जिहड़ी बहुत वधिया लगी होगी किन्ना टाइम हो गया इस मूवी नूं चलदे 40 तों 45 मिनट हो गए राइट 45 मिनट लगभग तो मेरे हिसाब दे नाल जेकर मैं इन्ने इन्ने सैशन बनावा हुण तुहानूं सारा
इस तो बाद आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा रणजीत सिंह की, वह भी कदम ना कदम आजूगी, नहीं फिर तुम भाई प्रॉपर तरीके एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते इस तरीके, एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे इस तरीके, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने तो बाद यानी अपना जो भी इतने तुम्हें वधिया लगता उस तरीके सारा कुछ कर सकते हो। ऑफलाइन मिलना चाहते हो तो भाई इतने आके मिल सकते हो, आह मेरा नंबर है राइट है, मैनू कॉल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तुम्हें यह सैशन बहुत वधिया लग्या होगा, कंसैप्चुअल तो एक मूवी लगी होगी भी हाँ इस तरीके भी पढ़िया जा सकता है, नाले बिना किसी स्लाइड तो बिना किसी नोट्स तो इस तरीके सारा कुछ तुहाडे याद हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाबा नानक मेहर करे, चढ़ती कला चलो इस तरीके पढ़ते रहो, तो आप होर नवे नवे वीडियो इसी तरीके मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।